जैसे आप देख रहे हैं ये पतंगे हैं, यहाँ पे फफून लग रही है, देख रहे हैं, ये देखो, ये देखिए, इससे सीलन आ जाती है और काप ख़राब हो जाती है और कीड़े लग के इन तीलियों को उसको खा के ख़त्म कर देते हैं पतंगों को, देख रहे हैं आप। इसके लिए करना क्या आपको हम बताते भी, सभी पतंगों को एक एक करके आपको धूप में अच्छे से फैला देना है। कुछ इस तरीके से फैला देंगे एक एक करके सभी पतंगे, जिससे इन पतंगों पे अच्छे से धूप लगेगी और जितनी भी नमी होगी सब खत्म हो जाएगी और सूख जाएगी पतंगे। ये देखिए इस तरीके से फैलाना है आपको छत पे, अपनी छत पे फैलाइएगा, नहीं तो दूसरा बंदा उठा कर लेके चला जाएगा और वहाँ पे आपको पहरेदारी भी करनी पड़ेगी, इससे कोई पतंग आपकी गायब ना कर दे। बरसात के मौसम में ऐसी दिक्कत आ जाती है पतंगों की, देखिए देख रहे हैं, फफून लग जाती है, सीलन खा जाती है, इसकी वजह पतंग खराब हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। इससे आपको बचने के लिए ये काम जरूर करना पड़ेगा, समय समय पे आपको पतंगों को धूप दिखानी पड़ेगी और ऐसी स्थिति होने पर जब सूख जाए तो उसको भी बताते हैं क्या करना है आपको अच्छे से, जिससे आपके पतंगे बची रहेंगे सालों साल, खराब नहीं होंगे जल्दी। इन सभी पतंगों को धूप दिखाने के बाद अच्छे से एक एक करके सभी पतंगों को उठाना है। उठाने के बाद आपको इस तरीके से ढेर लगा, ऐसे ही एक ढेर बना लेना, आपको ढेर बना करके आपको एक किनारे बैठ जाना चुपचाप और इस ब्रश को उठाना है, इससे आप लोग शू पॉलिश करते हैं आपके सभी घरों में मिल जाएगा। फिर आपको एक चौका उठाना है और एक चौका उठा करके इस तरीके से इस पे मार देना है, जिससे जितनी भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी। इस चौके को ऐसे उठाना है आपको, इस तरीके से खोलना और इस ब्रश को ही लेना ऐसे ही, इस तरीके ले निकल के इन सभी पे मारना ऐसे ही। मार देंगे और सभी जिसका भी लगा हुआ है इसका नमी सब साफ हो जाएगा, पतंग आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ये इस तरीके मार देंगे पूरी तरीके से तो साफ हो जाएगा। एकदम साफ हो जाएगी, पतंग तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप सभी पतंगे अपनी साफ कर लेंगे इस नमी से और हल्की धूप दिखा देंगे। फिर से आपको तम्बाकू जो है ले लेनी है, तम्बाकू को इस तरीके से बैग के चारों तरफ चारों कोनों में डाल देनी है। आप कपूर के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों कोनों में डालने के बाद आपको फिर पतंगों को बैग के अंदर रखना है इस तरीके से, साथ पतंग धरने के साथ साथ आपको बीच बीच में पतंगों के ऊपर भी तम्बाकू डाल देनी है, जिससे आपकी पतंगों में दोबारा कीड़ा नहीं लगेगा और अच्छे से बैग बंद करके रख देंगे तो आपकी पतंग खराब नहीं होगी। इस तरह से आप अपनी सभी पतंगों को सुरक्षित रख सकते हैं बरसात के मौसम में, जिससे आपकी पतंग की लाइफ बढ़ जाएगी और पतंगें खराब नहीं होंगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें प्लीज़।